Hello students, today we continue with exercise 3D from sum number 5th. In sum number 5th, find the length of each side of a square whose area is equal to the area of rectangle of length 13.6 meter and breadth 3.4 meter. हमने length of each side of square find करनी है, that means side of square find करनी है, जिसका area किसके equal है, whose area is equal to the area of rectangle. स्केयर का जो एरिया किसके इक्वल है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल के. तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल के लिए उसने रेक्टेंगल की लेंथ और ब्रेथ गिवन है. तो लेंथ और ब्रेथ से फर्स्ट ऑफ ऑल हम एरिया ऑफ रेक्टेंगल फाइंड करेंगे. और एरिया ऑफ रेक्टेंगल किसके इक्वल है, एरिया ऑफ स्केयर के. तो एरिया ऑफ स्केयर इज इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल के, हम साइड ऑफ स्केयर फाइंड करेंगे. साइड ऑफ स्केयर जो आगा हमारा आंसर आ जाएगा. नाउ सी द सॉल्यूशन ऑफ दिस सम. लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज 13.6 meter और breadth of rectangle is 3.4 meter. First of all हमें find करना है area of rectangle. Formula of area of rectangle is length into breadth. Length is 13.6 and breadth is 3.4 meter square. जब हमने 13.6 को 3.4 के साथ मल्टीप्लाई करवाया तो हमारे पास मल्टीप्लाई करके जो आया वो है 46.24 meters के. अब हमने साइड ऑफ स्केयर फाइंड करनी है. साइड ऑफ स्केयर फाइंड करने के लिए उसने हमें गिवन किया है एरिया ऑफ स्केयर इज इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल. एरिया ऑफ स्केयर, फॉर्मूला ऑफ एरिया ऑफ स्केयर इज साइड इनटू साइड. और एरिया ऑफ रेक्टेंगल जो था 46.24 मीटर स्केयर. साइड इनटू साइड इज साइड स्केयर. हमने साइड फाइंड करनी है. स्केयर हम उस साइड लेके, जब स्केयर को उस साइड लेके गए तो ये बन गया रूट. हमने 46.24 का रूट भी फाइंड करना है. तो जब हमने इसका रूट फाइंड किया 46.24, फर्स्ट ऑफ ऑल मेकिंग पेयर फ्रॉम द राइट हैंड साइड. तो हमने देखना है 46 किस टेबल का स्केयर करें, या तो 46 है या उससे कम आए. तो 4 4 16, 5 5 25 एंड 6 6 36 एंड 7 7 49. तो हमारे पास ये जाएगा 6 6 36. जब सब्ट्रैक्ट करवाया तो हमारे पास 46 माइनस 36 10 आया. तो यहाँ पे जो इसका डिवाइजर बनेगा न्यू, वो क्वेश्चन प्लस डिवाइजर को सम करने से बनेगा 6 प्लस 6 इज 12. देन पॉइंट, ये डेसिमल 10 इज लेस देन टू 12, तो 10 को हम 12 के साथ डिवाइड नहीं कर सकते. तो हमें क्या करना पड़ेगा, पेयर राइट करना पड़ेगा. उसके लिए इस डेसिमल को यहाँ पे राइट करेंगे और अब पेयर राइट करेंगे नीचे. अब हमने देखना है अभी 12 को किसके साथ मल्टीप्लाई करें. अभी हमारे पास 1024 आए, तो हमने क्या किया, उसको 8 के साथ मल्टीप्लाई करके देखा. 8 8 16 8 2 16 प्लस 6 इज 22 8 1 8 प्लस 2 इज 10. तो हमारे पास जब 128 को 8 के साथ मल्टीप्लाई करवाया तो हमारे पास आ गया 1024. तो हमारे पास जो साइड ऑफ स्केयर आई वो 6.8 मीटर. तो यही हमने फाइंड करना था. आंसर. नाउ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट. क्वेश्चन नंबर इज 6. क्वेश्चन नंबर 6 में हमारे पास गिवन है रूट 1 प्लस 26 बाय 169 इज इक्वल टू 1 प्लस x बाय 13. तो फाइंड द वैल्यू ऑफ x. हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है. उसके लिए हमें ये गिवन है, तो इसको सोल्व करने के लिए क्या करेंगे, जब भी प्लस या माइनस को सोल्व करना होता है फ्रैक्शन में, फर्स्ट ऑफ ऑल पे हमें डिनोमिनेटर को सेम करना पड़ता है बाय एलसीएम. तो 169 और 1 का एलसीएम जो बनेगा हमारे पास 169. तो हमने 1 को मल्टीप्लाई किया 169 से, तो हमारे पास आ गया 169 प्लस 27. तो 169 प्लस 27 इज 196 डिवाइड बाय 169. तो हमने इस रूट को अलग अलग कर दिया, 196 रूट 169.
तो 196 का जो रूट होता है वो 14 और 169 का जो स्क्वायर रूट होता है वो होता है 13। हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है, हम 1 को इस साइड लेके आएंगे, 1 इस साइड प्लस हो रहा था, जब इसकी साइन चेंज की तो ये माइनस में हो जाएगा। 14/13 - 1 = x/13। नाउ अब इसको सोल्व करवाने के लिए हमें फिर एलसीएम लेना पड़ेगा, 13 और 1 का जो एलसीएम है वो हमारे पास 13 आएगा। हम क्या करेंगे, 1 को 13 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 14 - 13 / 13 = x/13। तो 14 - 13 = x/13। तो x की वैल्यू करने के लिए, फाइंड करने के लिए 13 x के साथ डिवाइड हो रहा था तो उस साइड ये मल्टीप्लाई में चेंज हो जाएगा। तो 13 1 13 13 1 13 जो हमारे पास x है वो 1 है। नाउ पार्ट 7, 7th पार्ट में फाइंड करना है, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ फर्स्ट सम 3/13/36। हमने 3/13/6 का स्क्वायर रूट फाइंड करना है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल में हमें इसे प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। जब हमने 3/13/36 को प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया तो वो हमारे पास आया 36 × 3 = 108 + 13 = 121 / 36। हमने इसका स्क्वायर रूट फाइंड करना है, स्क्वायर रूट फाइंड करने के लिए हम 121 का अलग से रूट और 36 का अलग से रूट ले लेंगे। 121 का जो रूट होता है वो 11 और 36 का जो रूट होता है हमारे पास 6। तो हमारे पास जो इसका स्क्वायर रूट आया 3/13/36 का 11/6। नाउ सम नंबर 3rd ऑफ सेम पार्ट, सम नंबर 3rd जो है वो 3/942/2209। जब हमने इसको प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया तो हमारे पास आ गया 7569/2209। अब हमने इसका स्क्वायर रूट फाइंड करना है, इसका रूट भी हम टू मेथड से फाइंड कर सकते हैं, फर्स्ट इज प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड एंड सेकंड इज लॉन्ग डिवीजन मेथड। तो इस सम में मैं लॉन्ग डिवीजन मेथड से स्क्वायर रूट फाइंड करने वाला हूं, बट आप इन योर कन्वीनियंट आप जो मर्जी मेथड इन अकॉर्डिंग टू योर सजेशन जिस मर्जी मेथड को आप यूज कर सकते हो फॉर फाइंडिंग द स्क्वायर रूट ऑफ दैट फिगर्स। तो फर्स्टली मेकिंग ए स्क्वायर, मेकिंग ए पेयर फ्रॉम द राइट हैंड साइड। तो अब 75 हमने देखना है, भी यहां तो वो 75 है यहां उससे छोटा है, किस नंबर का स्क्वायर करेंगे वो। हमने किया 8 8 64 और 9 9 81, दैट इज 81 ग्रेटर हो जाते हैं, तो हम इसको 8 के टेबल 8 का ही स्क्वायर करेंगे, 8 8 64। जब हमने 75 को 64 से माइनस किया तो हमारे पास आ गया इसका 11। तो इसका जो डिवाइजर बनेगा न्यू वो क्वेश्चन प्लस डिवाइजर को प्लस करके बनेगा, 8 + 8 = 16। तो 16 इज ग्रेटर देन टू 11, तो इसके लिए हमें पेयर राइट करना पड़ेगा। अब हमने देखना भी 16 के साथ किसको मल्टीप्लाई करें, भी हमारे पास 1169 है। तो मैंने क्या किया, 7 के साथ मल्टीप्लाई करके देखा, 7 6 42 + 4 = 46, 7 1 7 + 4 = 11। तो हमारे पास जब 16 को 7 और 7 के साथ मल्टीप्लाई किया तो जो इसको मल्टीप्लाई करके आया 1169 है, दैट इज रिमाइंडर जो आ गया वो 0 आ गया। जब हमारे पास 7569 का रूट आया वो 87। अब हमने 2209 का रूट फाइंड करना है, मेकिंग ए पेयर फ्रॉम द राइट हैंड साइड। फर्स्ट ऑफ ऑल देखेंगे भी 22 के लिए हम किस टेबल का स्क्वायर करेंगे, या तो वो 22 है या उससे लेस है। मैंने किया 3 3 = 9 4 4 = 16 5 5 = 25, दैट इज ये 4 के टेबल पे जाएगा, 4 के स्क्वायर पे 4 4 = 16। जब 22 को 16 के साथ माइनस करवाया तो हमारे पास 6 आया, और जो इसका न्यू डिवाइजर बना वो क्वेश्चन प्लस डिवाइजर को प्लस करके बना, 4 + 4 = 8 और 8 इज लेस देन टू 6। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पेयर राइट करना पड़ेगा।
अब हमने देखना है अभी 8 के साथ किसको मल्टीप्लाई करें, हमारे पास 609 है, हमने इसको 7 के साथ मल्टीप्लाई करके देखा, 7 सा 49, 7 8 सा 56 प्लस 4 इज 60, तो हमने 87 को जब 7 के साथ मल्टीप्लाई करवाया तो हमारे पास आ गया 609, तो जो हमारे पास 2209 का रूट बना था वो आ गया 47। तो हमारे पास 7569 और 2209 का जो रूट आया 87/47, जब इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में किया तो ये हमारे पास बन गया 1/40/47। नाउ थैंक यू स्टूडेंट्स।